हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9, जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 9। इससे पहले मैं इस चैप्टर की सारी वीडियो बना चुका हूँ मैं और सारी इलस्ट्रेशन की वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल में पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख लें। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो टोटल ट्रांजेक्शन हमें करनी है वो टोटल 13 ट्रांजेक्शन है जिनकी हमें जनरल एंट्री करनी है। एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स में बताया गया है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब आपको करनी है जनरल एंट्री। तो पहले जनरल एंट्री है जून 1 की, रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, गुड 40,000, फर्नीचर 20,000। तो रघुनाथ ब्रोस ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश गुड्स और फर्नीचर के साथ। तीनों ही एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें तीनों को क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेंशन करेंगे ईयर और डेट, उसके बाद लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू करके कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 80,000 कैश में, स्टॉक में आपको 40,000 मेंशन करना है, फर्नीचर में 20,000 मेंशन करना है। क्रेडिट साइड आपको प्लस करके आ जाएगा 1,40,000। इसके बाद नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। नेक्स्ट है जून 2 की ट्रांजेक्शन, सोल गुड टू नंदलाल ऑफ द लीस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब यहाँ पे बिजनेस में सेल हुई है पर उधार में सेल हुई है। आपको देखिए ट्रेड डिस्काउंट भी हम ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है 10% का। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना होता है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती बट आपको अमाउंट को लेस करके दिखाना होता है। एंट्री होगी इसकी नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल इंक्रीज हो जाती है तो हमें इसे क्रेडिट करना होता है। अमाउंट की कॉलम में 20,000 का अमाउंट नहीं लिखेंगे आप, अमाउंट की कॉलम में आप लिखेंगे 20,000 का 10% कैलकुलेट करके 2,000 आएगा। 2,000 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो 18,000 डेबिट साइड, 18,000 ही क्रेडिट साइड लिखेंगे। रेशन होगी गुड सोल्ड टू नंदलाल एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 4,000। तो अब नंदलाल ने 4,000 का गुड्स हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको आपको डेबिट करना होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल आप मेंशन करेंगे। अब क्योंकि पिछली वाले ट्रांजेक्शन में जब हमने उसको सेल की थी तो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया था, अब उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए 4,000 के, तो यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट करके ही आपको अमाउंट मेंशन करना है। तो 4,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 400 होगा, 400 को 4,000 में माइनस करेंगे तो 3,600 डेबिट साइड, 3,600 ही क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड सोल्ड टू नंदलाल रिटर्न। इसके बाद जून 8 की ट्रांजेक्शन है, रिसीव फ्रॉम नंदलाल 14,115 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हमें पैसा रिसीव हो गया नंदलाल से 14,150 रुपीज, फुल सेटलमेंट है मतलब यहाँ पे हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो देखिए पैसा तो बिजनेस के पास आया है तो कैश इंक्रीज हुआ है तो डेबिट कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे हमने डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट का हमें पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है इसका मतलब हमने डिस्काउंट भी दिया है। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट होगा टू करके मेंशन करेंगे आप टू नंदलाल। अब टोटल पेमेंट 14,150 के हमारे पास आई है, एक्चुअल में आनी कितनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी 14,400 रुपीज की, 250 का हमने डिस्काउंट दे दिया। अब 14,400 रुपीज की पेमेंट कैसे आनी चाहिए थी, अगर आप 18,000 में से 3,600 माइनस करेंगे तो ये 14,400 रुपीज आएगा, जिसमें से उसने हमें 14,150 रुपीज दिए, 250 का हमने डिस्काउंट दिया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन ऑफ द लीज प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे परचेज करिए बिजनेस ने, आपके पास ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है बट अमाउंट को लेस करके दिखाना होता है। तो जून 10 करके आपको एंट्री करनी है परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन। 10,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो 1,500 होता है, 1,500 को 10,000 में माइनस करेंगे तो 8,500 डेबिट साइड आएगा, 8,500 ही क्रेडिट साइड आएगा। गुड परचेज एंड रिसीव ट्रेड डिस्काउंट आप मेंशन करेंगे किसमें, जनरल नरेशन में। इसके बाद जून 13 के ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन ऑफ द लीस्ट प्राइस 1,000। अब हमने ही ब्रिज मोहन को क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये होती है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न यहाँ पे जब भी इंक्रीज होती है, परचेज रिटर्न यहाँ पे क्या होती है, परचेज रिटर्न यहाँ पे इंक्रीज हुई है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे आपकी जनरल एंट्री होगी ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आपको 1,000 रुपीज नहीं लिखना है, 1,000 रुपीज से 15% लगा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके माइनस करके जो अमाउंट है ना वो आपको लिखना है। तो 1,000 का 15% 150 होगा, 150 को 1,000 में से माइनस करेंगे तो 850 डेबिट साइड आएगा, 850 क्रेडिट साइड आएगा। रेशन होगी रिटर्न गुड्स टू ब्रिज मोहन। इसके बाद है सेटल दिया अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट ऑफ 4%। तो यहाँ पे हमने ब्रिज मोहन का अकाउंट सेटल कर दिया, पेमेंट कर दिया उसको, उसने 4% का हमें कैश डिस्काउंट दिया तो इसकी जनरल एंट्री होगी।
तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे नाम ब्रिजमोहन डेबिट, इसके बाद डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू करके मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट में हमें टोटल ब्रिजमोहन को देना चाहिए था 7,650 रुपीज, हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करके हुआ है 306 रुपीज। जब 7,650 का आप 4% कैलकुलेट करेंगे तो 306 रुपीज का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। हमने जो कैश में पेमेंट किया ना वो 7,344 रुपीज की है। इसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करनी है, नरेशन लिखिएगा सेटल अमाउंट ड्यू टू ब्रिजमोहन। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील 10,000 और 5,000। 5,000 का गुड्स अनिल से परचेज किया है, 10,000 का गुड्स सुनील से परचेज किया है। इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। परचेज कराए टोटल 15,000 रुपीज का गुड्स, अनिल से कितने का परचेज किया 5,000 का, सुनील से 10,000 रुपीज का। तो 15,000 के अमाउंट को डेबिट साइड, 5,000 और 10,000 के अमाउंट को आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। नरेशन होगी परचेज गुड फ्रॉम अनिल एंड सुनील। इसके बाद है पेड कैश टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव 100। तो यहाँ पे कैश पे किया गया है किसको, अनिल को, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है 100 रुपीज का। जून 19 लिख के मेंशन कीजिएगा आप अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। 2,000 रुपीज का अमाउंट टोटल अनिल को हमने देना था, डिस्काउंट हमें 100 रुपए का रिसीव हो गया और कैश में हमने 1,900 रुपीज की पेमेंट की है। नरेशन होगी इसकी कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव। इसके बाद है जून 20 के ट्रांजेक्शन, पेड 9,800 टू सुनील इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो फुल सेटलमेंट है मतलब कि यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो सुनील डेबिट, सुनील को हमें 10,000 रुपीज देना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू कैश अकाउंट। टोटल 10,000 रुपीज हमें देने चाहिए थे सुनील को, हमने दिए 9,800 रुपीज, 200 का हमें क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। नरेशन आप लिखेंगे कैश पेड टू सुनील इन फुल सेटलमेंट। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है वो है बोट आ टेबल फैन फॉर ₹8,000 फॉर द डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। अब 8,000 रुपीज का टेबल फैन परचेज किया है डोमेस्टिक यूज के लिए, तो ये होती है ड्राइंग। ड्राइंग हमारी इंक्रीज हो गया तो आपको डेबिट करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। अमाउंट के कॉलम में 8,000 डेबिट साइड, 8,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखेंगे ब्रॉड टेबल फैन फॉर डोमेस्टिक यूज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जून 25 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेल हुई है 8,000 रुपीज के गुड्स की सेल हुई है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 3% का कैश डिस्काउंट। चलिए इस एंट्री को एक बार उससे वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं, वर्किंग नोट से समझते हैं। तो वर्किंग नोट में बता रखा है सेल जो हुई है वो 8,000 रुपीज की सेल हुई है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कोई जनरल एंट्री नहीं होती बट इसको आपको डिडक्ट करके दिखाना होता है। तो 8,000 का 10% 800 रुपीज होता है, माइनस करने पे आपके पास 7,200 रुपीज आएगा जिसको एक्चुअल सेल मानेंगे। अब यहाँ पे 3% का कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, तो 7,200 का 3% कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर 216 रुपीज आएगा। एक्चुअल में जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है ना, तो 7,200 में से 216 माइनस करेंगे तो 6,984 रुपीज की हमें पेमेंट रिसीव हुई है। इसी की आपको जनरल एंट्री करनी है। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। 7,200 की टोटल सेल है, डिस्काउंट में 216 रुपीज है, टोटल कैश में जो पैसा रिसीव हुआ 6,984 रुपीज हुआ है। नरेशन होगी सेल्स गुड्स ऑन कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 3% कैश डिस्काउंट। ये जून 25 के ट्रांजेक्शन में हमारी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे जून 30 के ट्रांजेक्शन। यहाँ पे सारे एक्सपेंस गिवन है आपको, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो आपको डेबिट कर देना है। रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 रुपीज का रेंट गिवन है, ट्रेड एक्सपेंस आपका 7,000 रुपीज का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,800 रुपीज का, टोटल जो अमाउंट आएगा वो 18,800 रुपीज का क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई है। एक्सपेंस पेड अब आपको टोटल करना है, टोटल करके आपको जो डेबिट साइड आएगा 2,54,000 आएगा, क्रेडिट साइड भी 2,54,000 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।